जबलपुर के जिला विक्टोरिया अस्पताल में इलाज कराने आई एक महिला ने कैजुअलिटी में पदस्थ महिला डॉक्टर आकांक्षा चौधरी से जमकर मारपीट कर दी। इस घटना के बाद पूरे डॉक्टर एसोसिएशन में आक्रोश व्याप्त है और दोपहर 2 बजे तक के लिए डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। हालांकि प्रभारी CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा ने हड़ताल की बात से इनकार किया है। पीड़ित डॉक्टर आकांक्षा चौधरी ने बताया कि महिला अपने पति के साथ आई थी और अपने पति के पुराने घाव पर टीके लगाने की मांग कर रही थी, जिस पर महिला डॉक्टर द्वारा ड्रेसिंग से ही घाव ठीक हो जाने की बात कहने को लेकर आरोपी महिला एकदम आवेश में आ गई और उसने महिला डॉक्टर आकांक्षा चौधरी से जमकर मारपीट कर दी, जिससे उनका मंगलसूत्र तथा चूड़ियां टूट गई और वे काफी परेशान देखी गईं। डॉक्टर्स का कहना है कि विक्टोरिया में सुरक्षा के लिए एक गार्ड तक नहीं रहता, क्या हम ड्यूटी करने और जूते खाने के लिए हैं? घटना की जानकारी लगते ही ओमती पुलिस मौके पर पहुंच गई, आरोपी महिला को पकड़कर ले गई। उस पर डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की बात कही गई। वहीं आरोपी महिला के द्वारा वहां मौजूद डॉक्टर और स्टाफ और पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पूरे मामले की सूचना पाकर ओमती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूरे मामले को लेकर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा द्वारा बताया गया। पूरे मामले को लेकर जबलपुर SP से विक्टोरिया अस्पताल मिलेगी और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने को लेकर जबलपुर SP सिद्धार्थ बहुगुड़ा से चर्चा की जाएगी। पैसे ले लो और मेरे को स्टिचेस लगा दो। काफ़ी ओल्ड वोन था तो उसमें स्टिच वगैरह नहीं लग सकता था। उसने गाली वगैरह बकना शुरू किया कि मेरे से पैसे ले लो लेकिन मेरा काम करो। उसने मुझे बोला मैं मड़ाताल थाने की पुलिस में हूँ, कुछ रही होगी कुछ सिपाही वगैरह। तो मैंने कहा आप जो भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं देखने के लिए उठी, उसे सीधा मंगलसूत्र पकड़ के खींचा मेरा, तो वो वहाँ से टूटा है और उसने उसमें चाटा मारा है। वो इतनी बलिष्ठ औरत है, उसको पलट के कोई मार भी नहीं सकता। मतलब 2-3 लोग बचाने के लिए आए थे लेकिन उसको कोई मार वार नहीं पता है। मतलब यहाँ से गाली बकते हुए बाहर गई है, पैर में मारा है, हाथ में मारा है, चाटा मारा है, मेरी चूड़ियाँ तोड़ दी है, मेरा मंगलसूत्र नोच के तोड़ा है। यही नहीं, जो भैया मुझे पीछे बचाने आए थे उनका भी हाथ वाथ मोड़ा है उसने, नाखून नाखून उनको भी लगाई। सब बच्चे थे उस टाइम पे। बहुत गलत चीज़ है, मतलब द गवर्नमेंट शुड बी अशेम लिटरली। ये कोई तरीका नहीं हुआ, हम इतना पढ़कर यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी मार दे रहा है, गार्ड नहीं है यार यहाँ पे बचाने के लिए। क्या कर रहा है प्रशासन? अभी सुबह करीब मतलब यहाँ पे कैजुअल्टी में एक महिला अपने पति को लेके इलाज करवाने के लिए आई थी। उनका जो पैर है उसमें गैंग्रीन की शायद कोई बीमारी थी, गल रहा था पैर, तो इलाज करवाने के लिए आई। अचानक से मैं यहीं अपने विक्टोरिया अस्पताल की चौकी में बैठा हुआ था, वहाँ से ज़ोर ज़ोर से लड़ने झगड़ने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं यहाँ से दौड़ते हुए गया तो देखा कि डॉक्टर मैडम जो हैं और जो महिला थी उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा चल रही थी। तो मैं बीच बचाव किया और उनको बचाया और उनकी जो लड़ाई है उसको मैंने शांत करवाया। फिर इसके बाद आके अपने थाने की पुलिस को बुलवा के महिला को सीधे थाने गए। महिला की गिरफ्तारी हो गई, अब वो तो थाने में ही पता चल पाएगी, थाने से जानकारी मिल जाएगी। गर्म था आज सवेरे कैजुअलिटी में डॉक्टर आकांक्षा चौधरी जो हमारी मेडिकल ऑफिसर हैं वो ड्यूटी पर थी। एक कोई मरीज महिला मरीज उनको दिखाने के लिए आई थी और वो उन पर जो पुराना एक उसका घाव था जो काफ़ी कुछ सूख गया था उसमें टांके लगाने के लिए दबाव डाल रही थी। उनका कहना था कि इसमें सिर्फ ड्रेसिंग से ही ठीक हो जाएगा। इसी बात को लेकर उन्होंने हमारे डॉक्टर से विवाद किया और हाथापाई पर उतर आई, उनके साथ छीना झपटी करने लगी, उनका मंगलसूत्र तोड़ दिया और इसके बाद काफ़ी हल्ला हुआ। हमारे डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे, कुछ पुलिस वाले भी वहाँ थे जो किसी अन्य मरीज के साथ आए थे। तुरंत पुलिस को खबर दी गई, ओमती पुलिस आकर उस महिला को गिरफ्तार करके ले गई और डॉक्टर आकांक्षा के द्वारा FIR दर्ज करा दी गई है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहा है। हम लोग अभी कुछ देर बाद SP साहब से मैंने समय लिया है, उनसे मुलाकात करके हम निवेदन करेंगे कि हमारे चिकित्सालय परिसर में कुछ 1-4 की गार्ड या तो उपलब्ध कराई जाए या कम से कम 100 डायल का जो एक स्टेशन है वो यहीं रखा जाए, जिससे हर समय यहाँ पुलिस उपलब्ध रहे, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में मरीज आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं। डॉक्टर आपका सहयोग कर रहे हैं।